नमस्कार, टीवी 100 में आपका स्वागत है और मैं वीरेंद्र गुप्ता। इस वक्त जनपद मिर्जापुर में अंतिम चरण में मतदान हो रहा है। सातवें चरण का मतदान की तिथि का जो प्रतीक्षा था, आज वो प्रतीक्षा खत्म हो गया है। हम इस वक्त जनपद मिर्जापुर के नगर विधानसभा क्षेत्र के घंटाघर मतदान केंद्र पर मौजूद हैं और यह मतदान केंद्र आइडियल मतदान केंद्र के रूप में तब्दील किया गया है। आदर्श मतदान केंद्र की स्थापना जिला प्रशासन के आशय से इस वजह से किया गया है कि यहाँ तमाम मतदाता आसानी से आ सकें और अपने मतों का प्रयोग कर सकें। सुबह सुबह बिल्कुल वक्त है और सुबह का जो मौसम होता है वो बहुत ठंडा है और इस मौसम का भी लाभ तमाम यहाँ के स्थानीय मतदाता लेना चाहते हैं। और इस मतदान केंद्र पर सुरक्षा का भी पूरा व्यवस्था कर दिया गया है। रात से ही सारा इंतजाम पुख्ता कर दिया गया था। आज आप देख रहे हैं कि यहाँ फोर्स के बीच में, तमाम सुरक्षाकर्मियों के बीच में सारे मतदाता शांति ढंग से मतदान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। निर्धारित जो समय था सुबह के 7 बजे से अनवरत मतदान की प्रक्रिया चल रही है। तमाम स्थानीय मतदाता जो यहाँ के वोटर हैं, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, लाइन लगा के अपने अपने स्थान पे देखिए वो खड़े हैं। हम अपने कैमरामैन से बताएंगे कि वो दिखाएं कि ये आदर्श मतदान केंद्र कार्यालय नगर पालिका परिषद घंटाघर में मौजूद है और देखिए किस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से लोगों में जो उत्साह है, लोग जो है लोकतंत्र के महापर्व पर किस तरीके से बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और पूरी तरीके से कहीं से कोई अभी तक कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं आ रही। हमारे साथ तमाम ऐसे मतदाता हैं, महिला पुरुष दोनों मतदाता हैं, जो घंटाघर में अपने मतों का प्रयोग करके निकले हैं और बड़ी चेहरे पे खुशी झलक रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि नई चीज़ जो देखने को मिल रही है कि जो सेल्फी पॉइंट बना है, तो मतदान करने के बाद अपने अपने उंगली को निशान दिखाते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैडम, आपका बहुत स्वागत है। आप बताएं कि कैसी व्यवस्था रही यहाँ? मेरा नाम वंदना गुप्ता है, मैंने वोट दे दिया है और यहाँ की व्यवस्था मुझे बहुत अच्छी लगी और कोई वो नहीं है, सब अच्छा है। सबसे बड़ी बात यह कि जो लोग मोबाइल लेकर आ रहे थे वो मोबाइल की अनुमति नहीं है, बहुत अच्छा है। और हम जान रहे हैं कि सुबह से शाम तक बहुत अच्छा ही बीतेगा, कोई वो नहीं है, अच्छे से लोग आएंगे, वोट देंगे, कोई डर नहीं है, कोई वो नहीं है, बस सब ओके ओके है। जो तमाम लोग घरों में बैठे हैं वो निकलते नहीं है, उनके लिए क्या संदेश है? उनके लिए ये संदेश है कि कल रात में इतना वो उत्साहित था कि रोज तो पर डे लोग निकलते हैं, कुछ काम से निकलते हैं, लेकिन कल की रात जल्दी बीत नहीं रही थी, जल्दी सुबह 7 हो और हम वोट देने जाएं, सारा काम छोड़ के वोट देना है, सबसे काम है वोट देना। बहुत धन्यवाद। तो रात कट नहीं रही थी, सवाल इस बात का है कि सुबह का जो इंतजार था वो अपने आप में बहुत बेइंतहा था। सर आप बताएं फट कैसा अनुभव रहा आपका? अनुभव तो अच्छा रहा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो वर्किंग थी वह बहुत स्लो थी। ये जिस हिसाब से यहाँ पर लोग काम कर रहे थे, अगर वो थोड़ा सा स्पीड अगर बढ़ाते तो जो इतनी लंबी लाइन लगी हुई है इसमें थोड़ा सा कमी आती। इसका प्रभाव हमें, हमारा ये विचार है कि ये परसेंटेज पर ये ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद ये धूप होनी शुरू हो जाएगी तो उस वक्त यहाँ पब्लिक को खड़ा होने में बहुत दिक्कत होगी। इसलिए इसके लिए प्रशासन को व्यवस्था करनी चाहिए कि कुछ ऐसे एफिशिएंट पर्सन को वहाँ पर लगाएं जिससे कि वोटिंग परसेंटेज और बढ़े। मतदाताओं को अगर लाइन में खड़ा होकर काफ़ी इंतजार करना पड़ता है तो वो कहीं ना कहीं जो जागरूक मतदाता है वो कई संदेश भी खड़ा करते हैं। मिर्जापुर से टीवी 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। हमारे जवान खड़े हैं।